अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ मरवा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं एक बर्फ़ी की रेसिपी जो कि हम लोग बनाएंगे ब्रेड से अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रेड से बर्फ़ी कैसे बन सकती है तो बहुत ही बेहतरीन लजीज और ये ज़बरदस्त सी झटपट सी बर्फ़ी बन जाएगी और फटाफट बन जाएगी तो फटाफट से आज की हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन इसके अंदर अब मैं ऐड करने लगी हूँ खोया जो कि थ्री फोर्थ कप है आप लोग वन कप तक खोया ले सकते हैं इसको मुझे हीट अप करना है हल्का सा कि जब ये हल्का सा मेल्ट हो जाए प्रॉपर्ली इसको मेल्ट नहीं करना बस हल्का सा ये नरम पड़ जाए मेल्ट हो जाए जब खोया हल्का हल्का सा मेल्ट होने लग जाएगा तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध दूध फ़िलहाल तो मैंने लिया है हाफ़ कप लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ आप लोगों के सामने तो तीन से चार टेबल स्पून दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी एंड पे के कितना बच गया है दूध इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके और इसको मैं हिलाती जा रही हूँ चम्मच इसमें मैं मुसलसल चलाती जा रही हूँ इस तरह से इसके जो पीसीज़ हैं खोया के वो मैं इस तरह से ब्रेक डाउन करती जा रही हूँ थोड़ा सा दूध इसमें और शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से जो है पका लूँगी बेसिकली हमें खोया जो है वो पेस्टी सा बनाना है आ, पोरिंग सा रनिंग सा बनाना है हमें उसके लिए हम इसके लिए उसमें ऐड कर रहे हैं दूध तो इस तरह का कुछ होना चाहिए दूध ऐड करने के बाद तो मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ कि सिर्फ़ हाफ कप में से सिर्फ इतना सा दूध बच गया है तो ये अच्छा सा एक पेस्ट काइंड ऑफ फॉर्म हो गया है तैयार अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम जो कि एक कप ऊपर तक भर के मैंने हीप लिए थे अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पर सौटे कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है ये एक त, एक जान हो जाए और जो ब्रेड का अपना एक कच्चा सा है वो ख़त्म हो जाए इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आपको आने लग जाएगी तो आपने तीन से चार मिनट यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों की ब्रेड जो है वो स्वीट साइड पे है तो आप लोग चीनी बहुत ही एहतियात से ऐड कीजिएगा मैंने फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून इसमें ऐड किए थे और वो बिल्कुल परफेक्ट थे तो चीनी अब हमें यहाँ पे मेल्ट करनी है तो अच्छी तरह से इसको मैं मुसलसल जो है इसमें चमा चलाती जाऊँगी उसको भूनती जाऊँगी चीनी अब यहाँ पे कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है आप लोगों को चीनी नज़र नहीं आनी चाहिए कम्प्लीटली अब आप लोगों ने यहाँ पे चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है भूनते जाना है इसको और अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका एक डोसा इस तरह से बनना शुरू हो गया है अच्छे से इसको मिक्स करते जाएँ और इस तरह से तोड़ते जाएँ ताकि कोई लम्स जो हैं वो फॉर्म ना हो तो इस तरह से अब आप लोग देखें एक ज़बरदस्ता मिक्स बटर जो है वो तैयार हो गया है चीनी भी इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो गई है तो अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ देसी घी आप लोग बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो देसी मीठे होते हैं उन्हें हम आप लोग देसी घी में ही बनाएं सिर्फ इसमें मैंने एक टेबल स्पून ही करके ऐड किया है देसी घी अच्छी तरह से इसको भी मैं भून लूँगी दो से तीन मिनट भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोग देख सकते हैं कि बर्फ़ी जो है वो ब्राउन से कलर की हो गई है देसी घी डाल के भी आप लोगों ने अच्छे से भून लेना है ताकि देसी घी जो है वो ब्रेड अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्व कर ले और देसी घी का कच्चापन भी खत्म हो जाए आप लोगों ने मुसलसल चम्मच चलाते रहना इस तरह से आप लोग इसको भूनते जाएँ भूनते जाएँ और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इलायची का पाउडर आप लोग इसके अंदर रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें सिर्फ इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ क्वार्टर टी स्पून इसमें इलायची का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है अच्छी तरह से मैं इसको अब मिक्स कर लूँगी और कम्प्लीटली जो है आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैंने लिया है इस तरह का एक बोर्ड कोई भी फ़्लैट सरफेस ले लें उसको हल्का सा आप लोग कर लें ग्रीस मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है इसको अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी और इसके ऊपर सारा जो हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर है जो हम लोगों ने अभी तैयार किया है वो इस तरह से सारा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको फ्लैटन सा कर लूंगी। ये प्रोसेस ये वाला स्टेप आप लोग किसी पैन में भी कर सकते हैं जिस जो केक टें होते हैं या किसी भी आप लोग पैन में इसको कर सकते हैं ऊपर से हल्का सा फ्लैट कर दें इसको और एक स्क्वास हम लोगों ने अब इसको एक शेप दे देना है इस तरह से अगर आप लोगों को लगता है कि यह बर्फ़ी थोड़ी क्वांटिटी की है तो आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं लेकिन चीनी आप लोगों ने बहुत एहतियात से ऐड करनी है चीनी अगर ज़्यादा ऐड हो गई तो वो फिर हैवी हो जाएगी तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्क्वास जो है उसको शेप दे देना है आप लोग केक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर आलमंड्स एंड पिस्ताशियोस लगा दूंगी बादाम और पिस्ते लगा दूंगी जो कि लंबाई में कटे हुए हैं बादाम और पिस्ते लगाने के बाद आप लोग इसके अंदर जो है कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लोग चीनी ऐड करें तो उसी स्टेज पे आप लोग इसके साथ साथ ही कोकोनट को भी ऐड कर सकते हैं तो आप लोग कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया है गार्निशिंग में करना चाहें तो कर सकते हैं हल्का सा मैं इसको ऊपर इस तरह से दबा रही हूँ ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए और जब हम इसके पीसीस काटें तो ये गिरे नहीं तो अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए ताकि हम इसके ईज़िली पीसेस काट सकें तो इसको अब हम रख देते हैं फ्रिज में यहाँ पे बर्फ़ी जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और मैंने इसके पीसिस जो थे वो काट लिए थे तो अब इन पीसीस को मैं इलहदा कर रही हूँ इस तरह से और बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जो है वो सेट हो चुकी है और बनती भी बहुत ही मज़े की है और फटाफट से बन जाती है अगर आप लोगों के पास ब्रेड हो जो कि यूज़ ना हो रही हो तो आप लोग इस तरह से ये ज़बरदस्त सा क्विक सा इंस्टेंट मीठा भी बना सकते हैं तो यहाँ पर बर्फ़ी जो है उसके पीसीस को मैं इलहदा कर रही हूँ और ये बर्फ़ी आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है बहुत मज़े की बनती है और पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने ब्रेड से बनाई हुई है तो यहाँ पे बर्फ़ी को मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया है सजा लिया है और ब्रेड बर्फ़ी हो चुकी है जनाब बिल्कुल तैयार और आप लोगों ने देखा सिंपल और फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोगों ने ज़बरदस्त सी बर्फ़ी तैयार कर ली जो कि हम लोगों ने बनाई थी ब्रेड से आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और यह देखें जनाब इसका टेक्सचर देखें कहीं से भी नहीं आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने ब्रेड से बनाई है बहुत मज़े की बनती है ज़रूर ट्राई कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत सारा थैंक यू फिर मिलते हैं टेक केयर एंड अफेज़